नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्मार्ट अनबॉक्सिंग टैग में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ नई अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है दोस्तों उत्तराखंड चार धाम 3D वुडन टेम्पल। तो दोस्तों उत्तराखंड में पड़ने वाले चारों धाम की इसमें आपको जो फोटो देखने को मिल जाती है, जिसमें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो दोस्तों इसकी जो फ्रेम की जो लेंथ है दोस्तों 12 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच इसकी चौड़ाई है। मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया था उत्तराखंड टूरिज्म से। आइए दोस्तों इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं, देखते हैं दोस्तों इन्होंने किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, तो इसकी जो क्वालिटी है किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन की गई है, तो इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसमें बाहर से बबल रैपिंग की गई है, तो आइए इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर इसे आपको परचेज करना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इनका कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूं, जिससे कि आप इसे परचेज कर सकें। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इन्होंने पैकिंग कर रखी है बबल रैपिंग, ताकि रास्ते में आते समय ये इसमें कोई टूट फूट ना हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा फ्रेम जो हमने मंगाया था उत्तराखंड टूरिज्म से। तो दोस्तों इसके साथ ये स्टैंड भी दे रखे हैं, जिससे कि हम कहीं पर भी इसे रख सकते हैं, जैसे कि हमें कहीं मंदिर पर रखना हो या कहीं पर टेबल पर रखना हो, तो कुछ इस स्टैंड से आप जो है इसको कहीं भी रख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा है चार धाम उत्तराखंड, जिसमें लिखा है दोस्तों ये लकड़ी का बना है, तो उसमें लिख रखा है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छी इसमें कारीगरी कर रखी है, देख सकते हैं आप। ये पूरे 3D में है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेम में। तो साइड में देख सकते हैं दोस्तों बीडिंग दे रखी है, तो गोल्डन कलर में है। पीछे की तरफ दोस्तों यहाँ पे आप जो है दीवार पे टांग सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से टांगने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे इनका नाम दे रखा है, जहाँ से ये आ रखा है उत्तराखंड टूरिज्म का, मोबाइल नंबर दे रखा हुआ यहाँ पे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से आता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप कहीं भी मंदिर पर रख सकते हैं अपने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा लकड़ी का है दोस्तों, ये श्री बद्रीनाथ धाम है, यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम, कभी आप गए होंगे तो देख सकते हैं आप, हूबहू उन्होंने बना रखा है इसमें। श्री गंगोत्री धाम, श्री यमुनोत्री धाम। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अलग अलग परचेज करना, तो अलग अलग वहीं परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे को पड़ा था 1551 रुपये में, तो मैंने परचेज कर लिया था। तो दोस्तों ये स्टैंड है, इसके स्टैंड भी बहुत अच्छे इन्होंने डिजाइन कर रखे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये स्टैंड में आपको कैसे रखना है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, अच्छी शाइनिंग दे रहा है। तो दोस्तों आप अपने घर में भी इसे डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं, या आप चाहे तो मंदिर में भी रख सकते हैं। जैसे कि आप कहीं पर टेबल पर अगर कहीं रखना चाहते हैं, या कहीं मंदिर पर अगर रखना चाहते हैं, अगर दीवार में आपको इसको नहीं रखना है, तो इसको आप किस तरीके से रखेंगे वो आपको बता दूंगा। ये स्टैंड है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप स्टैंड नीचे रख देंगे, उसके बाद इसको यहाँ पे रख देंगे, बड़ी आसानी से यहाँ पे खड़ा हो जाता है, कहीं गिरने का कोई खतरा है नहीं इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे रख देना है, जिससे कि ये कहीं भी नहीं गिरेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो सुन आपको मिलती रहे।